Now the next question is, question number 4, integration x, 1 minus x per power n, dx. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर बाइनोमियल वाले पर पावर n होता हो गया और यहाँ पर x सिंगल पावर वाला x रह गया, तो इस स्थिति में जो है अब दिक्कत यह हो जाती है कि जो ये पावर बाइनोमियल टर्म का है जब उसको एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत लंबा एक्सपेंशन जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो और वह इंटीग्रेट करने में काफी मुश्किल होगा, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर आप नहीं ला पाओगे, क्लियर, और समय भी लगेगा। तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर यह हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स 1 माइनस एक्स पावर एन डीएक्स, सबको इंटीग्रेट करना है लेकिन हर एक इंटीग्रेंड में, ये इंटीग्रेंड कहलाता है, इंटीग्रेंड में कंडीशन अलग अलग है तो उसी अनुसार हम जो है उसे अलग अलग मेथड से ट्रीट करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जिससे कि आसानी से वो फार्मूले पर आ जाए, फार्मूला बन जाए और आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सको, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या हम मान लें, तो 1 माइनस एक्स को टी मानते हैं, तो पावर जो एन होगा वो एक सिंगल मोनोमियल पर हो जाएगा और वो आसान हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स उधर ले जाइए, 1 माइनस टी, टी को इधर ले जाइए और एक्स को उधर ले जाइए एक्स, या आप लिख सकते हैं या एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी, भाई टी को इधर ले आया एक्स को उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया। अब जरा डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, वन तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस डी टी, तो डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी से और एक्स की जगह हम 1 माइनस टी रख देंगे। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाने वाला है, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है अब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, यह बन जाएगा 1 माइनस टी, ठीक है, एक्स की जगह 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं टी पर पावर एन, और डी टी ओ भी किस में, माइनस में, माइनस डी टी है, डी टी यानी कि माइनस में है, इसको और क्लियर कर दे रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और यह माइनस आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी और टी पर पावर एन डी टी, ठीक। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस आगे आ गया डी टी के साथ जो था, और 1 माइनस टी और टी पर पावर एन डी टी यह हो गया, तो यहां माइनस और टी पर पावर एन से मल्टीप्लाई होगा तो टी पर पावर एन माइनस टी पर पावर एन प्लस 1 और डी टी हो जाएगा, ठीक। माइनस इसी में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जिससे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आप माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो टी पर पावर एन प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ टी पर पावर एन ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा और यह डी टी हो जाएगा, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, टी पर पावर एन प्लस 1 प्लस एक पावर और बढ़ जाएगा, और यहां पर एन प्लस 1 प्लस 1 एक पावर और, टी पर पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी ये हो जाएगा, यानी कि टी पर पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 टी पर पावर एन माइनस 1 एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टी को आपने क्या माना था, 1 माइनस एक्स पावर 1 माइनस एक्स माना था, तो 1 माइनस एक्स लिख दीजिए यहां पर, 1 माइनस एक्स पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 और माइनस
वन माइनस एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, यह जो है आपका हो जाएगा सोल्यूशन, यह फाइनल सोल्यूशन आ गया, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन और लेते हैं हम, और रूट का है, चलिए देखते हैं रूट में किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम कुछ खास नहीं था, सबसे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं अगेन कि 1 माइनस एक्स पर पावर एन था, 1 माइनस एक्स पर पावर एन था और एक्स था। अगर इसका एक्सपेंशन करते तो जाके इसे इंटीग्रेट करते हो, इसका एक्सपेंशन आसान नहीं था, और दूसरी बात इसका एक्सपेंशन एन नोन क्वांटिटीज नहीं है, इसलिए 100% कन्फर्म नहीं हो पाता। तो उसके बाद इसको ही जो बाइनोमियल टर्म है उसको ही हम टी मान लिए, मोनोमियल बना दिए, और जो ये मोनोमियल था ऑटोमेटिक क्या हो गया, बाइनोमियल टर्म में कन्वर्ट हो गया, वन माइनस टी हो गया। अब जो है आप डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि हम जब इसमें परिवर्तन करते हैं तो ये डी एक्स भी परिवर्तन होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट हो रहा है। तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस डी टी हो गया, और उसके बाद उस डी एक्स की जगह पर हम माइनस डी टी रख दिए और इसे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस आ गया, आगे माइनस को एडजस्ट कर लिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, चेंज हो गया। अब पुनः इसको इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।